नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे राजा भैया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हुए एमएलसी चुनाव में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की तरफ से उतरे अक्षय प्रताप सिंह ने भाजपा और सपा को धूल चटा दी है। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत हासिल की और राजा भैया का जलवा बरकरार रहा। अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट पर जीत चुके हैं और इस जीत पर राजा भैया ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया है। आप सब जानते हैं राजा भैया के सपा से जुड़ जाने की खबरें बीते कुछ वक्त से लगातार सुनने में आ रही हैं। राजा भैया के मुलायम सिंह यादव का हाथ थामने को लेकर चर्चे लगातार हो रहे हैं और यहां राजा भैया से इसी को लेकर सवाल किया गया। कुंडा विधायक से पूछा गया, आगे की राजनीति को लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या आप किसी बड़े दल के संपर्क में हैं? मीडिया के इस सवाल पर राजा भैया ने साफ तौर पर कह दिया, मैं किसी बड़े दल के संपर्क में नहीं हूं और किसी बड़े दल से फिलहाल जुड़ने नहीं जा रहा हूं। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करते रहें। अक्षय प्रताप सिंह को लेकर राजा भैया ने कहा, अक्षय जनसुलभ, काफी कर्मठ और जनता से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है। रुझान शुरू से ही उसके पक्ष में था। नए दल के सामने चुनौतियां होती हैं और हर चुनाव को हम उसी रूप में देखते रहेंगे। राजा भैया ने सीधे तौर पर सपा या भाजपा से जुड़ने की बात को नकार दिया। नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन की रिपोर्ट।